गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एल्गी विषय का एक मेंबर पॉलीसाइफोनिया को कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर हम दो क्लासेस पढ़ चुके हैं। पार्ट वन में हमने पॉलीसाइफोनिया शैवाल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। पार्ट टू में हमने पढ़ा था कि पॉलीसाइफोनिया जो है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, और हमने देखा था कि टेट्रास्पोरोफाइट जो है इसके ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर टेट्रास्पोर बनते हैं, और ये टेट्रास्पोर अंकुरित होकर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो टेट्रास्पोर के अंकुरण से जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं, इन मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, नर और मादा जननांग बनते हैं, और इनमें बनने और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है ये संपन्न होती है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये हमने देखा था कि जो एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है यह इस प्रकार से पाया जाता है, जो कि इरेक्ट सिस्टम के अंदर और प्रोस्ट्रेट सिस्टम में डिवाइडेड होता है। अत्यधिक ब्रांचिंग यहां पर पाई जाती है, और इसका थैलस जो है यह पॉलीसाइफोनस प्रकार का थैलस होता है, जो हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से संपन्न होता है। तो पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यह विषम युग्मकीय या ओगैमस प्रकार का होता है। इससे पहले भी हमने शैवालों के मेंबर पढ़े थे, वोल्वॉक्स हमने पढ़ा था, कारा पढ़ा था हमने, उनके अंदर भी ओगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कारा पॉलीसाइफोनिया जो होता है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो थैलस होता है ये डायोसिस प्रकार का होता है। डायोसिस का मतलब होता है मेल और फीमेल प्लांट या मेल और फीमेल थैलस जो है यह अलग अलग होते हैं, यानी मेल गैमेटोफाइट अलग होता है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर टेट्रास्पोरोफाइट पर टेट्रास्पोरेंजिया बनती है, और इनके अंदर टेट्रास्पोर बनते हैं, और ये टेट्रास्पोर ही आगे विकसित होकर अलग अलग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। और ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट युग्मकोद्वीप बनते हैं, ये हैप्लोइड प्रकृति के होते हैं। शुरुआत करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जननांग से। तो यहाँ पर नर जननांग जो है यह स्पर्मेटेंजिया कहलाती है, इसे हम एंथ्रीडिया या पुंधानी भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं अचल पुमणु धानी। अचल पुमणु धानी शब्द बना है अचल पुमणु से। अचल पुमणु का मतलब अचल, यानी इनमें गति करने का गुण नहीं पाया जाता, ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी किसी भी प्रकार के फ्लैजिला का डेवलपमेंट, कशाभिकाओं का निर्माण इसमें नहीं होता है। और ये जो अचल पुमणु होते हैं इन्हें बोलते हैं स्पर्मेशिया। तो इन स्पर्मेशिया का डेवलपमेंट करने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है यह स्पर्मेटेंजिया कहलाती है, और इसका निर्माण मेल युग्मकोद्वीप जो है इसके अंदर जो है ट्राइकोब्लास्ट नाम की जो संरचना है, इस ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर जो है मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। जब हमने थैलस की संरचना पढ़ी थी तब हमने देखा था कि थैलस के अंदर इस प्रकार से मुख्य शाखा पाई जाती है। इस मुख्य शाखा से कुछ छोटी शाखाएं निकलती है, लघु शाखाएं निकलती है, और इन लघु शाखाओं को हम कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। इसकी जो मुख्य शाखाएं होती है पॉलीसाइफोनस होती है। इनमें कोशिकाओं की फिलामेंट की कई उदग्र पंक्तियां मौजूद होती है, लेकिन ट्राइकोब्लास्ट में कोशिकाओं की केवल एक ही पंक्ति मौजूद होती है। अतः ऐसी छोटी शाखाएं जो है ट्राइकोब्लास्ट कहलाती हैं, और इन्हीं ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है ट्राइकोब्लास्ट की, जिनके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हम एक स्पर्मेटेंजियम की स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं। ये स्पर्मेटेंजियम जो बनती है ये इस ट्राइकोब्लास्ट जो है इससे बनती है। ये ट्राइकोब्लास्ट मौजूद है, इस ट्राइकोब्लास्ट में यहां पर प्रथम विभाजन हुआ है। प्रथम विभाजन होने से एक ब्रांच यहां बनती है, दूसरी ब्रांच यहां बनती है। ये यहाँ पर दूसरा विभाजन हुआ है, ये एक ब्रांच बनी और दूसरी ब्रांच बनी है। तो सेम ऐसे ही दो ब्रांचेस का निर्माण यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन इन जो दो ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है इसने निर्माण कर लिया है, इसका स्पर्मेटेंजियम का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार जो ट्राइकोब्लास्ट के विभाजन से जो ब्रांचेज बनती है, इसमें से एक फर्टाइल ब्रांच जो होती है,
इससे आगे चलकर स्पर्मेटेंजियम का निर्माण होता है और ट्राइकोब्लास्ट जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ट्राइकोब्लास्ट जो है इससे स्पर्मेटेंजियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है। लेकिन इनका जब निर्माण होता है उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ट्राइकोब्लास्ट जो है इस प्रकार से एक फिलामेंट के रूप में पाया जाता है और ये जो फिलामेंट है केवल सिंगल फिलामेंट बना होता है सेंट्रल सेल से। यह जो फिलामेंट की एक उदग्र पंक्ति है, एक वर्टिकल फिलामेंट जो है जो कि केवल केवल और केवल सेंट्रल सेल से बना होता है, पेरिसेंट्रल सेल्स इसके चारों तरफ नहीं पाई जाती है। तो जब स्पर्मेटेंजियम का निर्माण प्रारंभ होता है तब सर्वप्रथम इन सेंट्रल सेल की कोशिकाओं में विभाजन से इन सेंट्रल सेल्स के चारों तरफ इन पेरिसेंट्रल सेल्स का निर्माण होता है। तो पहला स्टेप यही है कि सेंट्रल सेल की कोशिकाएं विभाजित होकर अपने चारों तरफ पेरिसेंट्रल सेल्स के आवरण का निर्माण करती है और चारों ओर बहुत सारी पेरिसेंट्रल सेल्स जो है ये बन जाती है। और इससे आगे की प्रावस्था में यह जो पेरिसेंट्रल सेल है इस पेरिसेंट्रल सेल्स में कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और अनुप्रस्थ विभाजन होने से यह पेरिसेंट्रल सेल जो है इससे स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स का निर्माण होता है। तो ये जो सेंट्रल सेल्स का फिलामेंट अभी आपको दिखाई दे रहा है इस सेंट्रल सेल्स के फिलामेंट के चारों तरफ जो है स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स जो है इसका निर्माण होता है। तो बहुत सारी स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनती है जो कि इसे चारों ओर से घेरे होती है। इससे जस्ट अगली प्रावस्था में यह जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है इसमें विभाजन से एक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से दो या तीन स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। सिंगुलर होता है स्पर्मेटेंजियम, एक स्पर्म एक होता है स्ट्रक्चर होती है उसे स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, लेकिन स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से दो या तीन स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो स्पर्मेटेंजिया बनती है सिंगल स्ट्रक्चर बनती है, यह एक्चुअल में एक यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है, एक कोशिकीय संरचना होती है जो सामान्यतया गोल या अंडाकार संरचना होती है और इस स्पर्मेटेंजियम के अंदर उपस्थित जीवद्रव्य जो है यह रूपांतरित होकर इसका कायांतरण होता है और इससे एक मेल गैमेट का निर्माण होता है जिसे हम स्पर्मेशियम कहते हैं, स्पर्मेशियम या अचल पुंगणु कहते हैं। तो प्रत्येक स्पर्मेटेंजियम के अंदर एक अचल पुंगणु का या एक स्पर्मेशियम का निर्माण होता है और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस सेंट्रल साइफन के चारों तरफ असंख्य स्पर्मेटेंजिया मौजूद होती है और प्रत्येक स्पर्मेटेंजियम में एक स्पर्मेशियम का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर से बनने से यहाँ पर हमें इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें बहुत सारी स्पर्मेटेंजियम मौजूद होती है और इस प्रकार की पूरी एक जो है स्पर्मेटेंजियम का क्लस्टर जो है यह निर्मित हो जाता है और प्रत्येक स्पर्मेटेंजियम में एक अचल पुंगणु या स्पर्मेशियम का निर्माण होता है और हमें फाइनली स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देती है। जब हम पॉलीसाइफोनिया के थैलस को माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन करते हैं तब हमें इस प्रकार से स्पर्मेटेंजियम जो है ये स्पर्मेटेंजियम दिखाई देती है। तो बहुत सारी स्पर्मेटेंजियम जो यहाँ पर निर्मित है और इन स्पर्मेटेंजियम जो है इसके शीर्ष भाग पर जब छिद्र बनता है तो यह स्पर्मेशियम मुक्त हो जाते हैं, ये जल के माध्यम से तैरते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं और ये निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्पर्मेटेंजियम का निर्माण पूरा होता है जिसमें स्पर्मेशियम यानी नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसके पश्चात हम प्रारंभ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कार्पोगोनिया कहते हैं। तो स्त्री जननांग जो है यहाँ पर कार्पोगोनिया कहलाता है और इसका निर्माण भी स्पर्मेटेंजियम के समान ट्राइकोब्लास्ट पर ही होता है। ट्राइकोब्लास्ट पर यह स्ट्रक्चर बनती है, इसका निर्माण हम एक डायग्राम की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर यह पॉलीसाइफोनिया का फीमेल गेमिटोफाइट का थैलस है जो कि हैप्लोइड नेचर का होता है। इससे यह ट्राइकोब्लास्ट स्थित है जिसे हम फीमेल ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। इस फीमेल ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या कार्पोगोनियम का निर्माण प्रारंभ होता है। जब यह निर्माण प्रारंभ होता है तो इस ट्राइकोब्लास्ट के चारों तरफ पेरिसेंट्रल सेल्स का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ट्राइकोब्लास्ट या ट्राइकोब्लास्ट है इसके चारों तरफ पेरिसेंट्रल सेल का निर्माण प्रारंभ होता है जिससे इस ट्राइकोब्लास्ट के चारों तरफ पेरिसेंट्रल सेल्स का एक आवरण बन जाता है और इन पेरिसेंट्रल सेल्स में से कोई भी एक कोशिका जो कि मुख्य अक्ष की तरफ होती है यह एक कोशिका जो है यह कार्पोस्पोरेंजियल इनिशियल की भांति काम करते हैं।
कार्पस पोरेंजियल इनिशियल की भांति काम करती है ये, और इसकी कोशिका में होते हैं सबसे पहले विभाजन। विभाजन से एक बनती है सपोर्टिंग सेल और कई कोशिकाएं एक पंक्ति के अंदर बनकर एक फिलामेंट के समान स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कार्पोगोनियल फिलामेंट कहते हैं। तो इस प्रकार एक सपोर्टिंग सेल बनती है जो कि ट्राइकोब्लास्ट से जुड़ी हुई होती है और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है, कोशिकाएं एक के ऊपर एक पंक्ति में व्यवस्थित होती है जिसे हम कार्पोगोनियल फिलामेंट कहते हैं। इस कार्पोगोनियल फिलामेंट की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है जो एपिकल सेल होती है, इस एपिकल सेल में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने से एक लंबी नेक या ग्रीवा का निर्माण होता है जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, और इसका आधारीय भाग जो है फूल जाता है, फूलकर फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पोगोनियम, और इस जो फूली हुई संरचना है इस फूली हुई संरचना को बोलते हैं हम एग सेल। तो कार्पोगोनियम जो है इसमें दो चीजें मौजूद होती है, ट्राइकोगाइन और एग सेल। तो ट्राइकोगाइन और एग सेल मिलकर निर्माण करते हैं इस कार्पोगोनियम। आगे चलकर इस कार्पोगोनियम जो है इसके चारों तरफ एक भित्ति का निर्माण होता है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, और इस पेरिकार्प के द्वारा इस पूरी स्ट्रक्चर को परिबद्ध किया जाता है। परंतु इस पेरिकार्प का जो निर्माण होता है यह होता है इस ट्राइकोब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं ये आगे विभाजित होकर इस पेरिकार्प का निर्माण करती हैं। इस ट्राइकोब्लास्ट के चारों तरफ जो पेरिसेंट्रल सेल बनी है इनमें विभाजन होता है, और यहां से विभाजन प्रारंभ होता है, इधर से इसमें वृद्धि होती है, और चारों तरफ से ये लगातार वृद्धि करते हुए जो है इस पूरी कार्पोगोनियम के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ सपोर्टिंग सेल जो है इसमें विभाजन होने से बेसल और लेटरल स्टेराइल इनिशियल का निर्माण होता है। इस डायग्राम में हमें केवल बेसल स्टेराइल इनिशियल दिखाई दे रही है, इसके साइड में पीछे की तरफ जो है लेटरल स्टेराइल इनिशियल का भी निर्माण होता है जिसका निर्माण सपोर्टिंग सेल्स के द्वारा किया जाता है, और यह सपोर्टिंग सेल आगे चलकर ऑक्सिलरी सेल के निर्माण भी करती है, और इन बेसल स्टेराइल इनिशियल और लेटरल स्टेराइल इनिशियल से जो है स्टेराइल फिलामेंट्स का निर्माण होता है। बेसल स्टेराइल इनिशियल बेसल स्टेराइल फिलामेंट का निर्माण करेगी जबकि लेटरल जो है वो लेटरल स्टेराइल फिलामेंट का निर्माण करेगी। फाइनली चारों ओर पेरिकार्प का निर्माण पूर्ण हो जाता है, और इस पेरिकार्प से बाहर कार्पोगोनियम का ट्राइकोगाइन जो है ये बाहर की तरफ वृद्धि करता होता है, जो ग्रीवा होती है लंबी ट्राइकोगाइन के रूप में यह इस पेरिकार्प के छिद्र में से बाहर निकली होती है, और इसका आधारीय फुला हुआ भाग जिसमें एग सेल मौजूद होती है यह इस पेरिकार्प के अंदर मौजूद होता है। तो इस प्रकार इस पूरी कार्पोगोनियम स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यह इसका साइड व्यू है जिसे साइड से देखने पर हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इस प्रकार फाइनली इस ट्राइकोब्लास्ट जो है इसके द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्राइकोगाइन कार्पोगोनियम का निर्माण होता है जिसका ग्राही भाग जो होता है ट्राइकोगाइन होता है, और इस ट्राइकोगाइन के द्वारा मेल गैमेट्स जिसे हम स्पर्मेशियम कहते हैं इन्हें आकर्षित किया जाता है। मेल गैमेट्स स्पर्मेशियम आकर ट्राइकोगाइन से फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं, और आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनियम कहते हैं इनका निर्माण जो है पूर्ण होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।